नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। देश में 30 करोड़ लोगों तक अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए न सिर्फ बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत तलाशना भी जरूरी है। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत की ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक भर सकता है, लेकिन इसके लिए भारी निवेश की जरूरत है। हाल के 3-4 वर्षों में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अपनी स्थापित क्षमता से 4 गुना तक बढ़ा है। मौजूदा वक्त में ये देश में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता का करीब 16% है। सरकार ने इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। विशेष में आज हम दिखाएंगे किस तरह लगातार बढ़ रही है हमारी ऊर्जा जरूरत और बताएंगे कैसे सौर ऊर्जा उत्पादन बदलेगा देश की सूरत। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। जाहिर है इसके लिए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना ही एक विकल्प है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी प्रतिबद्धताएं भी पूरी करनी हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा में निवेश एक बेहतर विकल्प हो सकता है। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 3.5 लाख मेगावाट से ज्यादा है। इसमें थर्मल पावर या तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 73% है। थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली की अपनी कीमत है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC प्रति यूनिट 3.20 रुपए की दर से ग्रिड को बिजली मुहैया करा रही है। थर्मल पावर प्लांट या तो कोयला आधारित है या फिर गैस पर चलने वाले, यानी ये पर्यावरण के नजरिए से महंगा सौदा है। मौजूदा समय में सौर बिजली की प्रति यूनिट दर 2.45 रुपए प्रति किलोवाट है। ऐसे में सौर ऊर्जा देश के लिए साफ, सस्ता, टिकाऊ और बेहतर विकल्प बन सकती है। आजकल सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरह का एक रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसमें अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका ये बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और जैसे भारत जैसे देश है जहाँ पे सूर्य की किरण की तो कोई कमी है नहीं, हमें कई जगह पे बहुत अच्छा सूर्य की किरण मिल सकता है, तो ये इसमें हमारे बिजली उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ISA कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों का समूह है। इसमें 121 देश शामिल हैं। इन देशों में साल भर धूप रहती है। ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने को राजी हुए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का मकसद सदस्य देशों में सस्ती, साफ और अक्षय ऊर्जा मुहैया कराना है। इसके अलावा ग्रीन, क्लीन और सतत ऊर्जा को सुनिश्चित करना है। दिल्ली में आयोजित ISA के सम्मेलन में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के अलावा क्राउड फंडिंग, तकनीक के ट्रांसफर, कर्ज मुहैया कराने, ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलर ऊर्जा की ग्रिड में भागीदारी बढ़ाने, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर बात हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा में अनुसंधान और विकास के लिए सौर प्रौद्योगिकी मिशन का ऐलान किया। सम्मेलन में उन्होंने 10 सूत्रीय कार्य योजना भी पेश की। भारत में सूर्य को पूरे जीवन का पोषक माना गया है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो हमें प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना ही होगा। फ्रेंड्स, हमारा हरित भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। ISA
1000 गीगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रहा है। 2030 तक यह लक्ष्य हासिल करने के लिए 1000 अरब डॉलर या तकरीबन 65 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ISA ने विश्व बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा AFDB ISA के साथ मिलकर मौजूदा माध्यमों से रियायती कर्ज जुटाने पर काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। देश के विकास में ऊर्जा का क्या योगदान है और सौर ऊर्जा इसमें कितना योगदान कर सकती है, ये एक अहम सवाल है। देश में अभी भी बिजली उत्पादन क्षेत्र काफी हद तक थर्मल पावर स्टेशनों पर निर्भर है, लेकिन जिस तरह कार्बन आधारित ऊर्जा को लेकर दुनिया का नजरिया बदल रहा है और साफ सुथरी सस्ती ऊर्जा की बातें हो रही हैं, उस लिहाज से सौर ऊर्जा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ऊर्जा की वैश्विक मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 1/4 से ज्यादा है। जनसंख्या के लिहाज से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा खपत भी बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा ही होगी। एक तरफ चीन समेत कई विकसित देशों की ऊर्जा खपत में गिरावट आ रही है, तो वहीं भारत में ये लगातार बढ़ रही है। वैश्विक कोयला, तेल और बिजली उपयोग में भारत की मांग आने वाले समय में और बढ़ेगी। सरकारी अनुमान के मुताबिक अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए भारत को 2040 तक बिजली उत्पादन क्षमता 4 गुना करनी पड़ेगी। हमें अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में 900 गीगावाट इजाफा करने की जरूरत है। ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में सुधार के लिए भारत को 28 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा। कोल से ये जो सोलर एनर्जी है, ये काफ़ी तरह एनवायरमेंटल के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। मगर अगर आप पोल्यूशन को पूरी ओर से देखा जाए, तो एक तरह से आप सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरह से आप अगर गेहूं को बर्न कर रहे हो, जैसे कि पंजाब वगैरह में हो रहा है, तो वो तो आपका बैलेंस नहीं होगा ना। कोई एक चीज आपको बैलेंस नहीं कर सकता। भारत में बिजली की मांग और उत्पादन के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं है। राष्ट्रीय ग्रिड पर नए कनेक्शनों का बोझ हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में बिजली व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन ये नाकाफी है। बिजली कंपनियों की संचालन खामियां, संरचनात्मक कमजोरी, तकनीकी गड़बड़ियां और बिजली भुगतान जैसी समस्याएं परेशानी की ओर बढ़ा रही हैं। बेसिकली हमें ये करना चाहिए कि जितना भी हम ग्रिड में लगा रहे हैं, जितना भी कोल का इस्तेमाल हो रहा है, वो कम कर सकें, और जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सौर, वायु, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकें, ताकि एमिशंस जो ग्रिड का एमिशंस जहाँ पे हम इतना थर्मल पावर प्लांट फीड कर रहे हैं, वो कम हो सके। देश का सालाना बिजली उत्पादन करीब 8% की दर से बढ़ रहा है। 2016 में देश की बिजली उत्पादन क्षमता 3,50,000 मेगावाट से ज्यादा थी। इसमें राज्य बिजली बोर्ड और कंपनियों की बिजली उत्पादन क्षमता 80,677 मेगावाट थी। ये देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 24.4% है। केंद्रीय कंपनियों और निगमों की उत्पादन क्षमता 1,03,058 मेगावाट यानी करीब 31% है, और निजी कंपनियों की उत्पादन क्षमता 1,47,125 मेगावाट यानी 44.5%। इनमें थर्मल पावर प्लांट्स की उत्पादन क्षमता 2,57,528 मेगावाट, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता 44,217 मेगावाट, हाइड्रो यानी पनबिजली 37,414 मेगावाट है। कुल उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 1.65% ही है। देखिए, सरकार तो सोलर को पुश कर रही है। इनफैक्ट सरकार रिन्यूएबल की हर तरह से रिन्यूएबल को पुश कर रही है, और सरकार का काफ़ी सारा चीज़ें आ रहे हैं जो कि आइडिया स्टेज में हो, कि सोलर पैनलिंग करने के लिए अभी नदियों में सोलर पैनलिंग वाटर में किया जाए, ताकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम ना हो। ऐसे सरकार काफ़ी सारे बातचीत चल रहे हैं। भारत ने 2040 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों में नवीनीकृत और परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। भारत चाहता है कि 2030 तक गैर कार्बन आधारित ऊर्जा की कुल उत्पादन में हिस्सेदारी कम से कम 40% तक बढ़ाई जाए। इससे कोयला और गैस पर हमारी निर्भरता कम होगी।
हालांकि इसके लिए भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल सरकार का जोर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीम। देश में सोलर प्रोजेक्ट को लोकप्रिय बनाने में धार्मिक संस्थाएं भी अहम योगदान दे रही हैं। दरअसल धार्मिक संस्थाओं के पास खुले स्थानों की कोई कमी नहीं है और यहां सौर ऊर्जा संयंत्रों का इस्तेमाल हो तो एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। दिल्ली में कई गुरुद्वारे इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। ये तस्वीर है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पहाड़ी वाले गुरुद्वारे की। शहर की आबोहवा को साफ रखने के लिए यहाँ खास पहल की गई है। गुरुद्वारे में रोजमर्रा की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये सोलर पैनल न सिर्फ गुरुद्वारे में बल्कि यहाँ रह रहे कई परिवारों के घरों को भी रोशन करते हैं। सोलर पैनल से फ्रिज, टीवी, कपड़े प्रेस, सब सामान हमारा उसी से ही, लाइट जगाना, पखे, कूलर, सब सोलर पैनल से ही चल रहा है। यहाँ रह रहे लोगों के अलावा नौजवान भी गुरुद्वारे की पहल को अच्छा मानते हैं। इनका कहना है कि पर्यावरण बचाने के लिए इस तरह की पहल बेहद जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। अगर ये ना हो तो बहुत डिग्रेड हो रहा है वैसे हमारा एनवायरनमेंट, आपको पता ही होगा। तो इससे अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे गुरुद्वारे ने। अगर बाकी लोग भी करेंगे, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल तो पोल्यूशन रोक नहीं सकता, अब सारे इनिशिएटिव इकट्ठा करेंगे तभी रुक सकते हैं। दिल्ली में गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली संस्था आने वाले दिनों में राजधानी के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने वाली है। गुरुद्वारों में सौर ऊर्जा परियोजना को जल्द पूरा करके इसके लिए बिजली जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जो जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक काम है उसके लिए हमने ये प्लान किया है और अगले 6 महीने में हमारी जो इंस्टॉलेशन है ये सारे सोलर पैनल्स की और टोटल हमारी जो बिजली है वो उसके अलावा इस पे सोलर पे चालू हो जाएगी। ये योजना पूरी होने के बाद ये योजना यकीनन दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित होगी। गुरुद्वारे में शुरू की गई पहल आस्था और तकनीक के संगम की दिलचस्प मिसाल है। समाज का हर तबका अगर ऐसी व्यवस्था को अपनाता है तो देश की तस्वीर में बदलाव संभव है। कैमरामैन सुधांशु के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दरअसल सौर ऊर्जा न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर देश का ऊर्जा नक्शा बदल रही है बल्कि स्थानीय स्तर पर भी लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कम्युनिटी सोलर प्रोजेक्ट, निजी पावर स्टेशन और घरेलू सौर ऊर्जा उपकरण देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कम्युनिटी सोलर शेयर्ड प्रोजेक्ट या सामुदायिक सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कई लोग आपस में मिलकर अपनी कॉलोनी या बिल्डिंग में साझा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा लेते हैं। इससे सौर प्रोजेक्ट लगाने का खर्च आपस में बढ़ जाता है, बदले में पैदा हुई बिजली आपस में बांट ली जाती है। इस तरह कई कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटीज अपनी बिजली के बिल में भारी कटौती कर रहे हैं। एक्चुअली सौर ऊर्जा की खूबसूरती ही यही है कि इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं और क्योंकि भारत में बहुत साल में 300 दिन से ज़्यादा धूप निकलती है तो कहीं पे भी हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके घर में, मेरे घर पे सोलर रूफटॉप सिस्टम्स लगा सकते हैं जो हमारे खुद की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। दरअसल अब भी सौर ऊर्जा उपकरणों के दाम काफी ज्यादा हैं। 1 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता के लिए जरूरी उपकरणों की औसत लागत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इसमें सौर पैनल, इन्वर्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, वायरिंग, माउंटिंग और बाकी पुर्जों के दाम शामिल हैं। हालांकि ये दाम ब्रांड और क्वालिटी के लिहाज से बदल सकते हैं। इसके अलावा हर 2 या 3 साल पर बैटरी बदलने का खर्च भी आता है। लागत और रख रखाव खर्च के लिहाज से सौर उत्पादित ऊर्जा प्रति किलोवाट 2.5 से 3 रुपए पड़ती है, लेकिन लंबी अवधि में ये कीमतें घटती जाती हैं।
ये देखिए ज़रूरतें पूरा करने में मदद करेगी, क्योंकि हम इसका गांव में वगैरह गांव और दूर दूर जगह पे हम इसमें से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, मगर इसका एक प्रॉब्लम जो है अभी कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका कॉस्ट कम करना पड़ेगा। जैसे चाइना वगैरह में सोलर पैनलिंग का कॉस्ट कम हो चुका है, मगर उनका क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अच्छे क्वालिटी का कम कॉस्ट में अगर इसको किया जा सकता है तो ये बहुत यूजफुल है। सामुदायिक सौर ऊर्जा न सिर्फ सोसाइटी या कॉलोनी बल्कि ग्रामीण मांग को भी पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां, स्कूल और संस्थान निजी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अपनी बिजली की जरूरतें पूरा कर रही हैं। इसके अलावा निजी इस्तेमाल के लिए भी सौर ऊर्जा उपकरणों की बिक्री बढ़ रही है। देश में इस समय करीब 110 कंपनियां सोलर उपकरणों का उत्पादन कर रही हैं। ये कंपनियां हर साल करीब 1.33 गीगावाट उत्पादन क्षमता के उपकरण बनाकर बेच रही हैं। सितंबर 2017 में देश की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 15,000 मेगावाट थी। सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र को जिस तरह के प्रोत्साहन दे रही है, उससे इसके तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है इसमें कि ये सिस्टम बहुत महंगा है, तो इंडिविजुअल जो लोग हैं, स्पेशली जो गरीब लोग हैं जहाँ बिजली इतनी आती नहीं है, जिनके घरों में बिजली अभी इतनी पहुँच नहीं रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये इन्वेस्टमेंट करना। जो एक्चुअली सोलर एनर्जी का बेनिफिट है जो हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अभी हमारी कंट्री इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही है। चीन में बने सस्ते उपकरण भी खासे लोकप्रिय हो रहे हैं, हालांकि इनकी क्वालिटी को लेकर सवाल है, लेकिन कम कीमत की वजह से इनकी खासी मांग है। 293 देशी और विदेशी कंपनियों ने सरकार से अगले 5 से 10 साल में 266 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का वादा किया है। इसमें करीब 35,000 करोड़ का निवेश होगा। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होने का अनुमान है। इस लिहाज से सौर ऊर्जा क्षेत्र न सिर्फ बिजली उत्पादन के नजरिए से बल्कि रोजगार सृजन और विकास को रफ्तार देने के लिहाज से भी काफी अहम साबित होने वाला है। नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अगर भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो इससे जीडीपी दर तो बढ़ेगी ही, साथ ही भारत सुपर पावर बनने की राह पर और तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इसमें सौर ऊर्जा प्रमुख भूमिका निभा सकती है, साथ ही ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायक हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और धरती को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के जलवायु में हो रहे खतरनाक परिवर्तन को रोकना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। इस सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत अनेक देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। पेरिस समझौते में जो लक्ष्य तय किया गया, उसमें इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की बात थी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा तो जलवायु में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाढ़, सूखा, जमीन धंसने और जंगलों में आग जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। पेरिस में 191 देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर बनी सहमति के करीब एक साल बाद भारत ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। तो अगर हम ग्रिड एमिशन्स ही रिड्यूस कर सके तो इंडिया का काफ़ी क्लाइमेट चेंज का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि थर्मल पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन एमिशन्स। पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए भारत ने 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य गैर जीवाश्म ईंधनों के जरिए रखा है, जिसमें सौर ऊर्जा के जरिए सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है। साल 2010 में जहां भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 22,000 मेगावाट थी, वहीं 2022 तक इसे 1,00,000 मेगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की संजीदगी का पता इसी बात से चलता है कि भारत सौर ऊर्जा के अपने लक्ष्य को एक दशक में प्राप्त कर लेना चाहता है, जिसे पूरा करने में जर्मनी को 2 दशक से भी ज्यादा का समय लगा था।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवंबर 2015 में भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौता किया था। इस समझौते में दोनों देशों ने सौर ऊर्जा की कीमतों में कमी करने, तकनीक में बढ़ोतरी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर सहमति जताई थी। पारंपरिक ऊर्जा के घटते स्रोतों के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए सरकार नए नए प्रयास कर रही है। विश्व बैंक ने भारत से अरबों डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौता किया है, जिसमें 2030 तक अरबों रुपए का निवेश किया जाएगा। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संधि के तहत भारत विश्व बैंक की साझेदारी से विकासशील देशों को सौर ऊर्जा के उपकरण विकसित करने, लागत कम करने और तकनीकी के आदान प्रदान पर भी जोर देगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की घोषणा के बाद नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के अपने प्रयास 5 गुना बढ़ा दिए हैं। लोगों का अब ये कहना है कि जब से WTO ने हमारे ऊपर सब्सिडीज निकाल दी है एक्सपोर्ट लिंक, तो एक्सपोर्टर को कम्पिटिटिव होने के लिए उसका पावर का कॉस्ट कम होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए पावर का होना ज़रूरी है, कॉस्ट होना कम होना है और अल्टरनेटिव ना रखना है। अगर मुझे डीजल को अल्टरनेटिव रखना पड़े तो फिर मेरी मुश्किलें बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रही है। भारत साफ तौर पर पेरिस समझौता और सौर ऊर्जा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराता रहा है। भारत उन राष्ट्रों का नेतृत्व करता है जो जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम करते हैं। ऋतु कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। ऊर्जा आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। समाज का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन, व्यापार या घर हो, सभी जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस तरह से देश की प्रगति हुई है, इन तमाम क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ी है। हालांकि हम अभी भी मांग के अनुरूप ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पर। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। ऊर्जा हमें दो महत्वपूर्ण माध्यमों से प्राप्त होती है, जिनमें पहला है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं, और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोमास। आज दुनिया की लगभग 80% ऊर्जा का उत्पादन परंपरागत ऊर्जा के द्वारा होता है। भारत में भी कोयला, तेल, गैस और पानी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। देश में कुल ऊर्जा के उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 56% है, जबकि पेट्रोलियम का 32% है। बाकी 12% ऊर्जा का उत्पादन परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर और अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। औद्योगिक क्षेत्र में देश में उत्पादित कुल वाणिज्य ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। औद्योगिक क्षेत्र कुल उत्पादित ऊर्जा का 50% अकेले उपभोग करता है। इसके बाद परिवहन क्षेत्र का नंबर आता है। अगर हम सभी उद्योगों और परिवहन क्षेत्र को एक साथ जोड़ दें तो ये देश में उत्पादित कुल ऊर्जा का 80% उपभोग करते हैं। परिवहन क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मुख्य रूप से हाई स्पीड डीजल और गैसोलीन के रूप में कुल खपत का 50% परिवहन क्षेत्र में उपयोग होता है। इसके अलावा कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ही इसमें ऊर्जा की खपत काफी बढ़ गई है। वहीं देश के राज्यों में बिजली उत्पादन और उपभोग की बात करें तो अभी भी ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। 1914-15 से 1915-16 के बीच देश भर में बिजली की मांग में 1.6% कमी हुई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक इस अवधि में कुल बिजली की मांग 15,942 मेगावाट रही, जबकि देश में उपलब्ध बिजली 1,56,934 मेगावाट ही थी। इस तरह 2,634 मेगावाट बिजली की मांग पूरी नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर को मांग से 15.4% कम बिजली मिली, जबकि उत्तर प्रदेश को 9.8%। इसी तरह उत्तराखंड को मांग से 2.4%, दिल्ली को 1.1%, केरल और कर्नाटक को 3.3% और 1.2% कम बिजली मिली।
बिजली का सही नियोजन नहीं होने से भारत में बड़ी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। इसीलिए भारत में ऊर्जा को अधिक उत्पादक बनाने के लिए न केवल इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऊर्जा की सप्लाई कैसे की जाए, बल्कि इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल और वितरण कैसे किया जाए।